नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। दिनांक 19/8/2022 सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, मरवाही के पास आसपास जंगलों में लगभग 13 से 14 हाथियों का झुंड जंगलों के रास्ते भटकते हुए मरवाही के पास पहुंच गया है। साथ ही हाथियों द्वारा कुछ ग्राम वासियों के घरों के दरवाजे, घरों के सामने बंदी फेंसिंग तोड़कर तबाही मचाई। मौके पर वन विभाग की टीम एवं ग्राम वासियों ने एकजुट होकर हाथियों को डराकर भागने के लिए पटाखों को फोड़कर पटाखों की आवाज़ से फिलहाल हाथियों के झुंड को भगाया गया। सभी हाथी जंगल में बने एक तालाब में घुसे, तालाब के रास्ते सिवनी की तरफ भागे। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पेट्रोलियम टीम के साथ माध्यम से गाँव की जनता को सचेत किया गया है। हाथी जंगल में आसपास के कुछ गांवों की तरफ आ गए हैं। गांव वाले कच्चे घरों में ना रहें, अधिक से अधिक पक्के मकानों में रहें। घरों के सामने आग जलाकर रखें। क्षति होने पर गांव के सरपंच, सचिव, वन विभाग की टीम को सूचना दें। घरों से बाहर ना निकलें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अभी भी गांव की जनता में डर समाया हुआ है। वन विभाग के कर्मचारियों और जंगलों में अपने कार्यों पर जूते हुए हैं। वहीं सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत हैं। अब देखना है कि हाथियों की टोली किस ओर प्रस्थान करेगी या कब और कहां अपना आतंक फैलाएगी। फिलहाल गांव की जनता सुरक्षित है। अनूपपुर से निर्मला सिंह की रिपोर्ट।